हाय एवरीवन, जियो फाइनेंस सर्विस का शेयर बैक टू बैक लोअर सर्किट लगा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डाटा भी शो करूंगा जिसके कारण ये सब हो रहा है। क्या कंपनी की रिगार्डिंग कोई बैड न्यूज आई है? फाइनेंशियल रिजल्ट खराब आया है क्या? बिजनेस क्या है इस कंपनी का, सब कुछ देखेंगे और आगे हमें इसमें क्या करना है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलायंस का डीमर्जर हुआ था एंड इस डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई रखी गई थी। 20 जुलाई तक जिनके अकाउंट में रिलायंस के जितने भी शेयर थे उन्हें उतने सेम नंबर ऑफ शेयर जेएफएस के मिल गए थे। नाउ 20 जुलाई को जब डीमर्जर हुआ था तब जियो फाइनेंस सर्विस का प्राइस 261.85 रुपीज सेट हो गया था, क्योंकि इतनी वैल्यू रिलायंस के शेयर प्राइस में कम हो गई थी 20 जुलाई को। डीमर्जर में ऐसा ही होता है, एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस में जितनी वैल्यू प्राइस में कम होती है उतनी प्राइस के हमें न्यू शेयर मिल जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब 21 अगस्त को जब जियो फाइनेंस सर्विस का शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा था तब प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी चल रही थी, बट लिस्टिंग के टाइम जियो फाइनेंस सर्विस का शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट 262 पे लिस्ट हुआ था, क्योंकि उसका प्राइस जो है 261.85 रुपीज सेट हुआ था, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। ये सब अपडेट्स आपको मैंने टाइमली अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी। जियो फाइनेंस सर्विस का शेयर 1.65 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ रजिस्टर हुआ है एंड लिस्टिंग के बाद से वो बैक टू बैक 4 दिन तक 5% के लोअर सर्किट में रहा है। बस फ्राइडे को ऐसा नहीं हुआ है एंड इस बैक टू बैक लोअर सर्किट में इसका मार्केट कैप जो पहले 1.65 लाख करोड़ का था वो घटकर 1.35 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन देखते हैं। जियो फाइनेंस सर्विस का बिजनेस 5 मेन सेगमेंट में है, रिटेल लैंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, डिजिटल पेमेंट्स एंड इंश्योरेंस सेगमेंट्स में। ये रिलायंस रिटेल के 18,000 प्लस स्टोर्स में आइटम पे फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन ईएमआई के ऊपर आइटम खरीदना बहुत पसंद करती है, क्योंकि एक साथ पूरी पेमेंट ना देने पड़े उसके बदले में वो ईएमआई ऑप्शन चूज करके मंथली स्मॉल स्मॉल पेमेंट को चूज करना बेटर समझती है। इसके साथ ही ये मर्चेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करते हैं लाइक एज ए मर्चेंट लैंडिंग। अभी एट प्रेजेंट में करंट में इनके 30 लाख प्लस मर्चेंट पार्टनर्स हैं और ये कंट्री एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ ही ये स्मॉल वेंडर्स को भी एमएसएमई लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही ये कंपनी एसेट मैनेजमेंट भी करती है एज ए म्यूचुअल फंड की तरह। एंड आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर एसआईपी अमाउंट एवरी मंथ कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। आजकल लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे काफी जोर दे रहे हैं, सो जिसके कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी ग्रो हो रही है। तो ये तो हो गया इनके बिजनेस का पूरा एक ओवरव्यू। नाउ कम टू द पॉइंट कि सब कुछ इतना बढ़िया है, बिजनेस मॉडल इतना अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है कंपनी के अंदर, कोई बैड न्यूज नहीं आई है, तो फिर शेयर में ये कंटिन्यू फॉल क्यों हो रहा है? इसको समझने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहां आपको स्टॉक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंडिकेटर्स की लर्निंग, अपकमिंग डिविडेंड शेयर्स, बायबैक डिटेल टाइम रहते ही शेयर कर दी जाती है, सो दैट आप उनका पूरा प्रॉपर यूज करके पैसा बना सको। हर एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जियो फाइनेंस सर्विस का शेयर सभी को मिले थे जिनके पास भी रिलायंस के शेयर थे एंड रिलायंस जो है ना वो इंडेक्स निफ्टी 50 का पार्ट है, सो उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम चेक करें कि जुलाई मंथ तक म्यूचुअल फंड्स के पास रिलायंस इंडस्ट्री के कितने शेयर थे, तो ये देखो 41 करोड़ से ज्यादा के शेयर है म्यूचुअल फंड के पास रिलायंस इंडस्ट्री के। तो उन सभी को अब इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स जियो फाइनेंस सर्विस के अपने आप मिल गए हैं। दैट मींस 40 करोड़ के अप्रोक्स शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के पास आ गए हैं जियो फाइनेंस सर्विस के। एग्जैक्ट कितने शेयर आए हैं म्यूचुअल फंड के पास वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूं। ये देखिए 39.27 करोड़ शेयर म्यूचुअल फंड्स के पास आ गए हैं जियो फाइनेंस सर्विस के। यहीं पे मेन इश्यू क्रिएट हो गया, क्योंकि रिलायंस जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट है, इसलिए जब डीमर्जर टाइम जीएफएस लिस्ट हुआ था वो भी निफ्टी 50 का पार्ट बन गया है, बट वो आगे निफ्टी 50 का पार्ट बनकर नहीं रह सकता। जियो फाइनेंस सर्विस को 29 अगस्त के बाद से निफ्टी 50 इंडेक्स से रिमूव कर दिया जाएगा। दैट्स वाई जो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं वो ओनली इंडेक्स में रहने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। तभी ऐसे सभी म्यूचुअल फंड्स को इस शेयर को बेचना पड़ेगा 29 अगस्त तक, क्योंकि उन्हें इंडेक्स के अलावा किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का अलाउ ही नहीं होता है। इसी कारण मार्केट में जीएफएस शेयर की हैवी सेलिंग आ गई है। ये मैटर क्लियर हो गया?
कि म्यूचुअल फंड्स के पास ना चाहते हुए भी जियो फाइनेंस सर्विस के शेयर आ गए हैं, बट वो उसे लेकर कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि जेएफएस 29 अगस्त मतलब आने वाले ट्यूसडे से इंडेक्स का पार्ट नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे सभी म्यूचुअल फंड्स जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें जियो फाइनेंस सर्विस के शेयर को सेल करना पड़ेगा। हैवी सेलिंग से प्रेशर क्रिएट हो गया है और लोअर सर्किल होते चले गए हैं। इसी पैनिक में रिटेल इन्वेस्टर जिनको जियो के शेयर मिले थे वो भी सेलिंग करने लग गए हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के कारण जियो के शेयर में ये प्राइस एक्शन हुआ है। अब जब ये सब सेटल हो जाएगा ना तब आपको ये शेयर वापस से भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि इन लोअर सर्किट में कोई कंपनी के रिगार्डिंग बैड न्यूज या फाइनेंशियल रिजल्ट खराब हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ सही चल रहा है, ओनली हैवी सेलिंग के कारण ये सब हुआ है। जैसे ये सब नॉर्मल होगा तो शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ भागेगा और हो सकता है कंटिन्यू आपको कुछ दिन तक अपर सर्किट मिल जाए। तो ये बात ध्यान रखना, कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा बट ये उम्मीद लग रही है कि ये होने वाला है। अगर आपको भी जियो का शेयर मिला है तो आप उसको होल्ड रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए एक वीक का, उसके बाद इसमें नॉर्मल प्राइस एक्शन होगा तब कुछ करना। पैनिक में आकर लॉस में निकाल दोगे तो उसे तो मतलब नहीं है। एंड जो लोग बाय करने चाह रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं पर्सनली इसको बाय करने का मन बना रहा हूं बट मैं क्या करता हूं आप वो देखकर अपना डिसीजन बिल्कुल मत बनाना क्योंकि सबकी थिंकिंग रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। मैंने एज ए एजुकेशन पर्पज के लिए आपको पूरी डिटेल शेयर कर दी है, डिसीजन आप खुद अपने सोच समझ से बनाना। वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।